हेलो गाइस, मेरा नाम है युगंध मौर्य। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन इंजीनियर हूँ। गाइस से एक डेस्कटॉप और इसमें ऑन कर रहा हूँ। पहली बात तो इसका SMPS नहीं चल रहा है और मैं इसे SMPS के मैंने ये मदरबोर्ड में से वायर निकाल ली है और मैं इसका जो पावर केबल है इसे मैं लगाऊंगा। और लगाने के बाद क्या हो क्या करते हैं मैं इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। और मेरी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, अगर आपका SMPS वगैरह नहीं चले SMPS बाई चांस, तो हमें सबसे पहले हमें इसमें ब्लैक और ग्रीन वायर को इसमें हम देखते हैं कहाँ, और उसे हम आपस में उसे शॉर्ट कर देते हैं। तो शॉर्ट करने के क्या मतलब होता है, उसमें जो मॉक्सर वगैरह होता है तो वो चल जाता है, और कभी कभी क्या होता है ना भी चलता है। 80% यहाँ तक है SMPS सही हो जाते हैं, और ये अभी चला नहीं, यानी गलत उसमें डाल दी। ये चल गया है, तो हमें इस तरीके से सॉल्व कर देना है। ये रुक गया, तो इसी हिसाब से आप के पास अगर SMPS से नहीं चल रहा है तो उसमें से ये स्विच को निकालें, दोनों को निकालने पड़ेगा। 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के ये स्विच होते हैं, तो इन्हें दोनों को निकालना है और इसमें से उसे ऐसे ही निकाल के मदरबोर्ड से बाहर कर देना है। ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट के होते हैं, तो इसमें हमें ये बड़ा वाला होता है उसमें 24 कनेक्टर होते हैं, तो हमें इसमें ग्रीन और ब्लैक देख के, और उसमें हमें इस तरीके से चिमटी या वायर हो तो इस तरीके से कोई तार वगैरह हो, वायर या चिमटी हो, तो इस तरीके से हमें करना। और ये फैन चल गया है, तो ये इसी हिसाब से शॉर्ट करना। और इसमें ये रैम खराब थी, तो मैंने इसमें रैम की कमी थी, तो मैंने इसमें रैम यानी कि अगर आपके लैपटॉप में वो इसमें डेस्कटॉप या CPU बोलते हैं कुछ कुछ लोगों के, या डेस्कटॉप तो या PC, इसकी रैम अगर ज़्यादा वैसे गंदी टाइप की होती हैं तो उससे उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, बाई चांस डिस्प्ले नहीं आती तो उसमें वो रैम ख़राब होती है। तो इसकी दूसरी वाली रैम थी वो ख़राब थी, इसमें लैग से बिल्कुल ही क्लीन है। और मैंने ये अभी मंगाई है 24/10 के लिए, और ये डालने के बाद तुरंत ही इसमें लाइट आएगी। और मैंने अगर बाई चांस इसकी रैम से भी नहीं आ रही है डिस्प्ले, तो क्या करना होता है, ये प्रोसेसर होता है इसके अंदर, तो प्रोसेसर को हमें थोड़ा निकाल के और इसमें क्लीन कर लेना होता है, और फिर डिस्प्ले आ जाती है। और बाई चांस इससे भी नहीं आती है तो दूसरा इसका प्रोसेसर ख़राब हो जाता है, और इनमें यही समस्या होती है। और जब और अधिक समस्या, और ये इसका CMOS सेल है उसे भी आप निकाल के साफ़ कर लेना चाहिए, और साफ़ करने के बाद इसमें CMOS सेल भी कभी कभार डिस्प्ले की प्रॉब्लम कर देता है, तो इसमें CMOS सेल को भी निकाल के आप एक बार साफ़ करके लगाएं। और इसी हिसाब से मैंने बताया, और इसमें शॉर्ट करने के बाद ये SMPS नहीं चल रहा है और वो चलने लगा है, और मैं इसकी ये कनेक्टर हैं 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, इसे लगाने के बाद ये अभी दिखाऊंगा आपके लिए। इसमें मदरबोर्ड पे वो TFT के साथ इसमें डिस्प्ले आ रही है कि नहीं, मैं अभी दिखाऊंगा। मैं केबल लगा दी है और इसे भी लगा दिए 12 वोल्ट के लिए, और मैं अब इसमें TFT लेके आ रहा हूँ, फिर लगाऊंगा। हमने इसका पावर केबल और ये TFT लगा के हमने इसमें इसका पावर केबल के लिए लगाया है, और
ये बीजी केबल है, इसे भी कनेक्ट कर देना है। वो कनेक्ट करने के बाद इसे हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसमें ये लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है तो हम इसका पता करेंगे। और आपके पास TFT नहीं है तो उसे आप कीबोर्ड से भी टेस्टिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड लगाना है मदरबोर्ड में USB वाला, और उसे लगाने के बाद क्या होता है, जब उसमें लाइट जलने लगती हैं जो होती हैं कीबोर्ड में, वो जलने के बाद उसमें जब जलने लगें तो समझ जाना कि डिस्प्ले में लाइट आएगी। तो इसी हिसाब से चेक करना होता है। और अभी मैं इसे शॉर्ट करता हूँ कि अभी ऑन होगा। पहली बार तो इसका प्लग निकला हुआ था, हम उसमें ऑन करने में लगे थे। और कैमरा सेट कर दूँ, अब मैं प्लग लगा रहे हैं। लगाने के बाद हमें इसमें शॉर्ट करना होता है। अगर आपके पावर केबल खुद से ये पावर वाले लगा है, या इसमें मैं इसे ऑन करूँगा, इसका ये बटन दे रखा और ये आ गई है डिस्प्ले इसकी, और इसमें ये मांग रहा है रिबूट एंड सेलेक्ट रिपोर्ट बूट डिवाइस और इनसाइड बूट मीडिया इन सेलेक्टेड बूट डिवाइस एंड प्रेस ए की। इसमें कोई भी आप की दबाएं, और पहली बात तो इसमें कोई भी विंडो नहीं है, और विंडो होगी तो करप्ट है। और ये इसी हिसाब से आप भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डेस्कटॉप या इस यानी कि CPU या मॉनिटर PC बोलते हैं कहीं कहीं, CPU PC, और इसी हिसाब से जैसे मैंने किया उसी हिसाब से करना है। और बाई चांस इस तरीके से भी नहीं मानने आया तो इसमें सीधा ही मदरबोर्ड चेंज होता है। थैंक यू, अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके लिए। और अभी मैं थोड़ी समस्या में उलझा हुआ था तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया कंटिन्यू, तो मैं अब फिर से ये वीडियो कंटिन्यू मिलेगी आपके लिए। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।